नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। बरसों पहले की बात है, संग्राम सिंह नाम का एक राजा था। जो उसे भगवान नहीं मानता उसकी वो ऐसी हालत कर देता जिसे देखकर पत्थर दिल भी कांप उठता। उसके जादुई महल में हमेशा उसकी यही अभिमान भरी आवाज गूंजती रहती, मैं भगवान हूँ। हम भगवान हैं। नहीं, तू भगवान नहीं है, तू भगवान नहीं हो सकता, तू कभी नहीं बन सकता। अत्याचारी, तू कभी भगवान नहीं बन सकता। अपना भला चाहता है तो अब भी हमें भगवान मान ले। नहीं मानूंगा। नहीं मानेगा, नहीं मानेगा तो फिर तेरा भी यही अंजाम होगा। परवाह नहीं, चाहे मेरा प्राण ले ले, लेकिन मैं तुझे भगवान नहीं मानूंगा। महाराज की जय। हेलो, हमें उम्मीद है कि राजकुमारी रूपमती ने हमारे साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी होगी। क्षमा कीजिए महाराज, राजकुमारी रूपमती ने आपसे शादी करने से इनकार कर दिया और आपके भेजे हुए उपहार भी ठुकरा दिए। रूपमती, रूपमती महासती, बड़े भैया आप। सावधान संग्राम, सावधान। आप यहाँ क्यों आए हैं? तेरी आंखें खोल, जादुई शक्ति पाकर तू पाप पर पाप करता चला जा रहा है। अब भी मान जा रहे,
भैया याद रख, रूपमती सत्य और धर्म की वो पवित्र ज्वाला है जिसमें जलकर तू भस्म हो जाएगा, उसकी आशा छोड़ दे रे। कभी नहीं, हमने जिसे चाहा है उसे पाकर ही छोड़ा। रावण ने ही तो सीता को पाकर छोड़ा, फिर क्या हुआ रे? कहां गया रावण, कहां गई उसकी लंका? सीता काली बनकर उसका भक्षण कर गई और सोने की लंका जलकर स्वाहा हो गई। लेकिन हम रावण नहीं, संग्राम सिंह है भैया। देवता बताओ इस समय रूपमती कहां है? मंगल मूर्ति, मेरी आपसे यही प्रार्थना है, जिस पृथ्वी को मैं मन वचन से पति मान चुकी हूँ, वही मेरी मांग में सिंदूर भरे। जरूर भरेगा बेटी, सबकी इच्छा पूरी करने वाले गणेश जी तुम्हारी भी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। संग्राम नहीं, महाराज संग्राम सिंह कहो। तुम्हारी मांग में सिंदूर पृथ्वी नहीं, हम भरेंगे रूपमती, चलो हमारे साथ। छोड़ दे मुझे। रूपमती का हाथ पकड़ने वाले के हाथ काट दिए जाएंगे। भूलते हो पृथ्वी, हमसे टकराने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। जो गरजता है तो बरसता नहीं, बरसता नहीं। चंदन भैया अभी तक नहीं आए? आ जाएंगे बेटा, वो रूपमती से मिलने गया है, वही देर हो गई होगी। संग्राम, मैंने तो पहले ही कहा था रूपमती की आशा छोड़ गई, परंतु तू नहीं माना। याद रख, ब्रह्म आत्मा का श्राप अपना प्रभाव दिखाकर ही रहेगा, वह कभी झूठा नहीं हो सकता रे। हम उसे झूठा करके ही रहेंगे। देवता, हम पृथ्वी और रूपमती को देखना चाहते हैं। रूपमती दूल्हा दुल्हन के रूप में? क्या शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई और कुछ दिन के बाद बेटा भी हो जाएगा। ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। देवता, हाहाहा
हमारे काल को जन्म देने वाली रूपमती अपने सुहाग के साथ डूब गई। डूब गई या नहीं ये तो आने वाला समय बताएगा रे। समय हमारी मुट्ठी में है। समय तुम्हारी मुट्ठी में नहीं, तुम समय की मुट्ठी में हो संग्राम। अरे अभिमानी, समय की एक ही ठोकर से तेरा सारा अभिमान चूर चूर हो जाएगा। चुप रहो, हम कुछ सुनना नहीं चाहते। तुम हमारे भाई हो, नहीं तो हम तुम्हारा भी इन जैसा हाल कर देते। हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि इसी समय हमारे राज में से निकल जाओ। ठीक, मैं तो चला ही जाऊंगा। एक भाई होने के नाते मैंने तुझे बहुत समझाया, लेकिन तुम नहीं समझे रे, तुम नहीं समझे। विनाशकारी विपरीत बुद्धि, विनाशकारी विपरीत बुद्धि। ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता महाराज। मेरी आत्मा कह रही है, मेरा बेटा पृथ्वी और मेरी बहू रूपमती दोनों जिंदा है, जरूर जिंदा है। भगवान करे ऐसा ही हो। हमने उनकी बहुत तलाश की, ना जाने वो कहां है। हे वरुण देव, अपने क्रोध के तूफान को शांत कर दीजिए प्रभु। मेरी बेटी को अपने शाप से मुक्त कर दीजिए प्रभु, मुक्त कर दीजिए। महाराज, कुरुदेव, हम कई बार कह चुके हैं और आज भी कहते हैं, जब तक वरुण देवता के चरणों में धरती के 32 लक्षण वाले पुरुष की भेंट नहीं चढ़ाई जाएगी, तब तक वरुण देव प्रसन्न नहीं होंगे। इस देश की मत्स्य रानी ठीक नहीं होगी। महाराज, धरती के किस मनुष्य को हमने बंदी बना लिया है? यही है महाराज, यही है वो 32 लक्षणा पुरुष। ये है 32 लक्षणा पुरुष? तब तो मेरी बेटी शाप से मुक्त हो जाएगी। अवश्य हो जाएगी। वरुण देवता के सामने इसकी बलि चढ़ाते ही वे प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? नहीं, सैनिकों ले जाओ इसे। नहीं, मेरे पति को छोड़ दीजिए, मेरे पति को छोड़ दीजिए, मेरे पति को छोड़ दीजिए। सुना नहीं, हट जाओ। स्वामी, गुरुदेव, गुरुदेव, मेरा तो सर्वस्व लुट जाएगा। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। आपको प्राण लेने हैं तो मेरे ले लीजिए, लेकिन मेरे पति को छोड़ दीजिए। महाराज, महाराज, आप तो मेरे पिता समान हैं, मुझ पर दया कीजिए। अभी अभी तो मेरी शादी हुई है, देखिए मेरे हाथों की मेहंदी अभी तक नहीं छूटी। हम कुछ भी सुनना नहीं चाहते, हमें तुम्हारी नहीं तुम्हारे पति की जरूरत है। स्वामी, रुक जाओ, रुक जाओ। मैं अपने आंखों के सामने अपने पति का बलिदान नहीं देख सकती। वरुण देव, इससे पहले आप मुझे स्वीकार कीजिए। शांत हो जाओ बेटी, ये क्या अनर्थ कर रही हो। लेकिन वरुण देव, मैं वैधव्य का कलंक लगाकर जीना नहीं चाहती। तुम्हें जीना होगा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। बोलो क्या चाहती हो। भगवान, यदि आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं, तो मत्स्य रानी को अपने शाप से मुक्त कर दीजिए। तथा पिताजी, बेटी, बेटी, पिताजी, बेटी, स्वामी, रूप, गुरुदेव, धन्य हो बेटी, तुम महान हो। धन्य हो बेटी, सचमुच तुम महान हो। बहन, मैं तुम्हारे उपकार कभी नहीं भूलूंगी। मत्सरानी, आप हमें धरती पर जाने की आज्ञा दे दो। नहीं बहन, जब तक तुम्हारी कोख से तापी संग्राम को मारने वाले उस महान बालक का जन्म नहीं होगा, तब तक तुम्हें यही रहना होगा। इसी में तुम्हारी और संसार की भलाई है। बहन, बहन, चुपकाल में जन्म लेने वाला तुम्हारा बालक बड़ा होनहार बनेगा।
और ये बालक पानी में कभी नहीं डूबेगा, पानी पर धरती की तरह चलेगा और बिना पढ़े इसे तमाम विद्याओं का ज्ञान होगा। मेरा बेटा गुरुदेव, आप हमें धरती पर पहुंचा दीजिए। तथास्तु। संग्राम, तेरा काल जन्म ले चुका है। काल जन्म ले चुका है? हाँ, रूपमती और पृथ्वी सिंह अपने बच्चे के साथ धरती पर आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। धरती पर आ पहुंचे। हाँ, और कुछ ही देर में हम घर भी पहुंच जाएंगे। माँ और चंदन हमें अचानक पाकर खुशी से फूले नहीं समाएंगे। हम भी तुम लोगों को पाकर खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। संग्राम। हाँ, तुम्हारे बेटे का काल संग्राम, इसे हमारे हवाले कर दो। मार कर हम उस पाखंडी पुजारी का श्राप झूठा कर देंगे। नहीं, नहीं। लो, बच्चा मुझे दे दो। खबरदार जो बच्चे को हाथ लगाए। दिन तो तू बच गया, लेकिन आज नहीं बच सकता। बेवकूफ, हमें कोई नहीं मार सकता। अब देख हम तेरी क्या हालत बनाते हैं। दुराचारी, ये तूने क्या किया? हमसे टकराने का यही इल्जाम होगा। कभी नहीं। हम ऐसे भी पर ठोकर मारते हैं। संग्राम दया करना नहीं जानता। सूरज, हमारा काल।
मगर मच्छ को मार किया इस बालक का उद्धार दुनिया वालों आंख खोल कर देखो नया तमाशा इस बालक को सबसे बचा कर नई जगाई आशा एक नई जगाई आशा जग से ठुकराए बालक को जानवरों ने अपनाया प्यार भरी अखियों से सबने ममता का रंग दिखलाया प्यार भरी अखियों से सबने ममता का रंग दिखलाया इसे झुलाने बंदर मामा ने एक झूला डाला बालक को जानवरों ने पाया इंसान तो क्या इस बालक को जानवरों ने पाला इंसान तो क्या इस बालक को जानवरों ने पाया सूरज सूरज रूपमती शांत रहो रूपमती अगर सूरज हमारा होता तो इस तरह से हमारे से क्यों बिछड़ जाता और मेरी हालत अब मैं घर भी तो नहीं जा सकता कभी नहीं जा सकता क्यों नहीं जा सकते स्वामी मेरी माँ मेरी माँ मेरी हालत देखकर पागल हो उठेगी वो ये सदमा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती और रूप तुम भी कब तक मेरे पीछे पीछे यूं घूमती रहोगी दर दर की ठोकरें खाती रहोगी रूप चले जाओ तुम अपने महल वापस चले जाओ स्वामी स्वामी मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती कहीं नहीं जाऊंगी मेरा सब कुछ मेरा सुख दुख मेरा महल सब कुछ आपके चरणों में है स्वामी दिन बीते रातें बीती बालक की बड़ी उमरिया प्यार दुलार से पाल रहे इसे भालू और बंदरिया लानत है उसको जिसने इस बालक को ठुकरा जिसके सर पर हाथ प्रभु का उसने सब कुछ पाया ये ही पिता है ये ही माता ये ही बंधु और भ्राता धरती से सुनाती लोरी आसमान गुणगाता बालक है भगवान रूप बालक है भोला भाला बालक है भगवान रूप बालक है भोला भाला इंसान इस बालक को जानवरों ने पाला इंसान तो क्या इस बालक को जानवरों ने पाला रूपमती सदा सती धन्य हो बेटी अब तक तुम्हारी चर्चा ही सुनता रहा किंतु आज प्रत्यक्ष में देख लिया बाबा आप मैं अपने बारे में क्या बताऊं बेटी जिस नीच ने तुम्हारे सुखी जीवन में दुख के अंगारे बरसाए मैं उसी संग्राम सिंह का बड़ा भाई संग्राम का बड़ा भाई हाँ परंतु जिस प्रकार मिथ्याभिमानी रावण ने अपने भाई विभीषण को राज्य से निकाल दिया ठीक उसी प्रकार मुझे भी संग्राम में निकाल दिया है आप जैसे महापुरुष के साथ ऐसा नीच व्यवहार बेटी भगवान जो कुछ करता है ठीक ही करता है बाबा आप तो महात्मा पुरुष हैं आप सब कुछ जानते हैं
बताइए मेरे स्वामी के अंधेरे जीवन में कब उजाला होगा? ना ना निराश न हो बेटी, निराश न हो, तुम्हारे स्वामी के दुखी जीवन में सुख का उजाला अवश्य होगा, परंतु समय का इंतजार करना होगा। समय से पहले कोई बात नहीं होती बेटी, समय बड़ा बलवान नहीं पुरुष बलवान। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। बालक है भगवान रूप, बालक है भोला भाला, ब्रजराज आज इस बालक को खुश हो के स्नान कराए, ये प्यार पिता का माँ की ममता जानवरों से पाए। बिछड़े लाल संग खेल के जंगल में मंगल कर डाला, का जोड़ा अंदर गया और तुम भी देखो। अरे वाह क्या जोड़ी है, एक रूप की रानी और एक लूला लंगड़ा। चुप रहो, खबरदार जो मेरे स्वामी के बारे में कुछ कहा, ये मेरे सर्वस्व है, मेरे देवता है। भाई देवता के दर्शन भी कर लो। इस औरत की जिंदगी बर्बाद करने से तो अच्छा इसे मर जाना चाहिए। अरे ये आदमी नहीं, ये क्रंक है, इसे तो मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। स्वामी स्वामी आप इनकी बातों पर मत आइए, चलिए। कितनी भारी होगी दुनिया में, कितनी जग में शाम ढली, इसके मन की बगिया में मुरझाई वो ना खिली कली, फिर भी ये निराश न होती, ये पतिव्रता नारी है। Yeah.
मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं, मुझे मर जाने दो। नहीं स्वामी नहीं, आप ही तो मेरा सहारा है, आप ही विचार छोड़ दीजिए, आपको जीना होगा। जीना होगा ताकि लोग मुझे कलंक लूला लंगड़ा कहे। नहीं स्वामी, आप कलंक थी, आपको कहने वाले कलंक थे। चलिए स्वामी वापस चलिए। मुझे छोड़ दो। नहीं स्वामी, मैं आपको मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। आज मेरा हाथ तुम पर उठ गया, मैं इन हाथों को तोड़ दूंगा। मुझे माफ कर दो रूप, मुझे माफ कर दो स्वामी। Yeah.
मेरा बेटा पृथ्वी, तू आ गया? आ गया पृथ्वी? चंदन, 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 मेरा बेटा आ गया। चंदन, बेटा पृथ्वी आ गया। मेरा बेटा, मेरा बेटा आ गया। चंदन कहाँ आ गया माँ? हाँ बेटा, आ गया। बरसों से तुम दिन रात उन्हें याद करती रहती हो, और पता नहीं कि भैया जिंदा भी हैं या नहीं। ऐसा मत बोल बेटा, मुझे विश्वास है, मेरी आत्मा कहती है वो जीवित है। वो मुझे मिलने जरूर आएगा बेटा, वो मुझे मिलने जरूर आएगा। मैं भी भगवान से यही चाहता हूँ कि मेरी माँ का उदार चेहरा मुस्कुरा उठे, इस घर का अंधेरा दूर हो जाए और खुशी के दीप जल उठे। चंदन भैया, सच्ची बात। चंदन भैया नमस्कार। माजी जीते रहो। अबे क्यों शोर में चला रंजन? रंजन नहीं भैया, भूल गया, अभी याद करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, याद आ गया, याद आ गया भैया, कुछ घोड़सवारों ने हमारे खेतों को रौंदा डाला है। जिन लोगों ने हमारे खेतों को रौंदा है हम उन्हें रौंदा लेंगे। चलो माँ, मैं अभी आता हूँ। माँ मैं भी आया। अबे इधर देख। चंदन भैया जरा शांति से। राजा मर गए। तुम्हें क्या दिखाई देता है, इंसान या आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता? बकवास बंद करो। अरे बकवास तो तुम कर रही हो। अरे तुम्हें पता नहीं ये कौन है? होगी कोई बुलबुल। बुलबुल नहीं, ये रायगढ़ की राजकुमारी है। अरे राजकुमारी नहीं, दासी कहो, दासी। खामोश, हट जाओ हमारे रास्ते से। मैं हटते नहीं, जवाब मांगने आया हूँ। जवाब भाइयों, इसे बदतमीजी का सबक सिखाओ, गिरफ्तार कर लो इसे। हाँ तो राजकुमारी जी, आप तो और जवाब देंगी ना कि आपने हम गरीब किसानों के खेतों को क्यों उजाड़ा, अनाज जो हम सबकी जिंदगी है उसे क्यों बर्बाद किया आपने? इन सब बातों का जवाब है आपके पास? अरे चंदन भैया, इनके पास क्या जवाब होगा, बोलती बंद और मुंह पे ताला। आप लड़कियां हैं इसलिए माफ कर रहा हूँ, याद रहे आइंदा ये गलती ना हो। ये रहा आपका हंटर, और आपको भी माफ किया देता हूँ। अच्छा मर्द है, ऐसा तीर मारा कि दिल के उल्टे पुर्जे ढीले हो गए। चलो यहाँ से। पंजे चपलम राजकुमार अपलम, दिल के धड़कनों पर दौड़ रही है प्यार की सरगम। हाय अब नहीं रहा जाता, कब आएगी मेरी सपनों की रानी सुनंदा।
राजकुमार अपलम, आंखें बंद करो और सच्चे दिल से भगवान को पुकारो। ऊपर वाले मेरी पुकार सुन ले, भेज दे मेरी मन की मंजरी को, मेरे दिल की खंजरी को भेज भेज। आ गए। अरे ऊपर वाले, तुझे घोड़े और गले में इतनी भी तमीज नहीं, बुलाया था लड़के को, भेज दिया लड़के के बाप को। राजकुमार महाराज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? स्वागत स्वागत महाराज स्वागत। लो आ गई हमारी बेटी। पिताजी, प्रणाम पिताजी। आ गई बेटी, कितने वर्षों के बाद मिले। जब तुम अपने मामा के गई थी इतनी छोटी सी थी, और आज ये जवान हो गई, कली से फूल बन गई। राजकुमारी जी बलहारी, आपका ये चमकता रूप जैसे चढ़ती हुई धूप। अरे ये क्या किया बेटी तुमने, इन्हें नहीं पहचाना? ये राजकुमार अपलम है। मैं हूँ इनका चमचा चपलम। बदतमीज, घोड़ों के सामने इस तरह से बोलते, फूल दे। तो ये राजकुमार है? हाँ बेटी, सम्राट जयचंद के बेटे। चंदर बेटा, अब मैं नहीं बचूंगी। ऐसा मत कहो, अब मेरा समय आ गया है। नहीं मां, नहीं, तो मुझे बचन दे। क्या मां? बचन दे। क्या मां बोलो? क्या? तू अपने भैया और भाभी को ढूंढ कर लाएगा। तुम फिक्र मत करो मां, मैं बचन देता हूँ कि मैं भाभी और भैया को जरूर ढूंढ लूंगा। मैं जरूर ढूंढ लूंगा मां, मैं जरूर ढूंढ लूंगा भाभी और भैया। मां मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मीना, पिताजी ने इस पागल को क्यों पाल रखा है? अरे तुम्हारा दिल बहलाने के लिए कोई ना कोई तो खिलौना होना चाहिए ना। बिना पूछ का भंडर लगता है। सुनंदा पिताजी, अच्छा हुआ आप मिल गए, कल लोग शिकार पर जा रहे हैं। शिकार पर अकेले? अकेले नहीं पिताजी, मीना भी तो मेरे साथ है। और फिर आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा, आखिर बेटी किसकी है। फिर भी ध्यान से रहना, जंगल का मामला है। अच्छा जहाँ तुम वहाँ हम, क्या गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने। तो अच्छा, तो राजकुमार शायरी भी बोलते हैं? अजी हम क्या नहीं बोलते ये पूछिए, अजी हमें बजाना भी आता है, हमें गाना भी आता है। लागे करजवा मिट्टी, क्या तीर मारा है? अजी तीर ही नहीं, हमारा तलवार चलाने में भी जवाब नहीं, हम एक हाथ से शेर को मारते हैं और दूसरे हाथ से भालू को मारते हैं। तो राजकुमार जी, आपके साथ चलने से मैं बड़ी गर्म। अरे गर्मी नहीं, गर्मा गर्म रहेगी। मैं भी गर्म नाक होगी, आपकी नाक कट जाएगी। नाक आपको अब तक पत्थर तक नहीं मारा, शिकार क्या करेंगे? अरे मैं मर गया, मैं गया। अरे मेरे मोटे बनते, कोई तरकीब सोच, जल्दी से सोच। रंग न देखे रूप न देखे अपनी पिया की प्यारी,
पति को ही भगवान समझती भारत की सन्नारी भारत की सन्नारी अरे राजकुमार जी आप ऊपर मचान पर आ जाइए मचान न धरती न आसमान मचान पर शिकार करने वाले तो कच्चे शिकारी होते हैं राजकुमारी जी हम पक्के शिकारी हैं खानदानी शिकारी हैं आपको डर नहीं लगता डर और हमें अजी हम तो जंगल के राजा हैं राजा जब हमारी सवारी निकलती है तो जंगल के सभी जानवर तुम दबा कर भागते हैं चाहे वो हाथी हो चाहे वो शेर हो चाहे वो भालू हो कोई भी हो राजकुमार जी भालू क्या आपको हम भालू नजर आते हैं नहीं आपके पीछे भालू मेरे पीछे ओहो क्यों बे क्यों अपने मौत का सामान लेकर आ गया चुप चुप राजकुमारी जी देखिए आंखें खोल कर देखिए लग रहा है आजा राजकुमारी जी देखिए अब मैं इस भालू को आलू की तरह टुकड़ा बनाता हूँ मुश्किल नहीं आया तो अरे चमचे देखिए राजकुमारी जी आप बेटा उधर से इधर आ गया ये तो असली मालूम पड़ता है अरे बाप रे असली है इसके इसके नाखून में असली है बाप रे तू नकली भाग भाग अरे भालू महाराज मैं तेरे पैर पड़ता हूँ अरे मुझे छोड़ दे अरे मुझे छोड़ दे मेरे बाप अगर लड़ना है तो पीछे से लड़ आगे से लड़ अरे बाप रे अरे भालू महाराज अरे ये क्या कर रहे हो राजकुमार की इज्जत खतरे में अरे भालू अरे भालू बाप अरे मेरे ताऊ अरे मेरे चाचा अरे अरे राजकुमार तू राजकुमार है भालू मैं कहता हूँ अरे अरे क्या कर रहा है अरे मेरे कपड़े मत उतार अरे मेरे कपड़े उतार दी अरे भालू अरे चलते अरे कहाँ छोड़ के चला गया रे अरे अरे भाग 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 दीजिए आपकी बला से राजकुमारी जी आपकी नजरों में हम गरीब लोगों के खून की क्या कीमत तुम्हारे खून की क्या कीमत है ये मैं जानती हूँ सुनो उस दिन मैं तुम्हें पहचान न सकी क्या आप भी मुझसे नाराज हो मुझे माफ नहीं करोगे ए, मुझे माफ नहीं करोगे जब यार सीने से लग गया तो सब गिले दूर हो गए चंदन लेकिन राजकुमारी जी आप एक इतने बड़े महाराज की बेटी हैं और मैं एक छोटा सा जागीरदार क्या आपका और मेरा प्यार हमेशा बना रहेगा प्यार की दुनिया में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं तुम मेरे हो और तुम मेरी रहोगी अच्छा तो चलता हूँ फिर कब मिलोगे जब आप याद करेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा अभी तो मुझे उनकी तलाश है क्योंकि
भैया की भाभी की जो बरसों पहले मुझसे बिछड़ गए थे और अभी तक नहीं मिले, ना मालूम कहां होंगे वो लोग। अच्छा मैं चलता हूं। हाँ क्या बात है, शिकार करने आए थे और शिकार हो गए क्या? प्यासा हूं, चल पिलाओगी? नहीं, इतनी बड़ी नदी बह रही है, खुद पी लो, प्यास बुझ जाएगी। मेरी प्यास नदी के जल से नहीं बुझेगी, मेरी प्यास तू ही बुझा सकती है। जाने वाले तुम कौन हो? समझ लो मैं ही तुम्हारा बेटा हूं। तेरा बेटा? हाँ मां। बेटा मेरे लाए, नहीं मेरे भाग में ऐसा सुख कहा जो मैं किसी को अपना बेटा कह सकूं। निराश ना हो मां, मुझे ही अपना बेटा समझ लो। बेटा बेटा तू यहाँ कहाँ रहता है? बस इसी जंगल में, शेर हाथी भालू सब मेरे चाचा मामा है। चाचा मामा? हाँ। और तेरी माँ, तेरे पिता? इनके बारे में तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन जब से होश संभाला है यही मेरे सुख दुख के साथी है।
लेकिन माँ तुम इस जंगल में अकेले? नहीं तो मेरे स्वामी भी मेरे साथ है। तो चलो माँ के साथ पिता के भी दर्शन हो जाए। अच्छा चलो उठो आओ। आओ आओ बेटा। रुक मत, बड़ी देर लगा दी आने में। आज ये बालक न होता तो पता नहीं मेरी क्या हालत हो जाती। उस नीच अत्याचारी के हाथों से इसी ने मेरी रक्षा की। बेटा यही है मेरे स्वामी। पिताजी जीते रहो बेटा, होनहार बालक तुम्हारे जैसे ही होते हैं। लेकिन आपकी ये दुर्दशा किसने की? बेटा महाराज संग्राम सिंह ने उनकी ये हालत कर दी। लेकिन तुमने उनका क्या बिगाड़ा है? एक लंबी कहानी है। क्या ये ठीक नहीं हो सकते? हो सकते हैं अगर संग्राम सिंह चाहे तो, मगर ये कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। निराश ना हो माँ, मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ। पिताजी, बेटा आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। माँ मैं अभी आता हूँ। और ये बालक पानी में कभी नहीं डूबेगा, पानी पर धरती की तरह चलेगा, पानी पर धरती की तरह चलेगा। सूरज पानी में चलता हुआ जा रहा है, पानी में चलता हुआ जा रहा है। स्वामी स्वामी यही अपना बेटा है, यही अपना बेटा है। स्वामी 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 सूरज काल के मुंह में जा रहा है, मेरा जी घबरा रहा है। अब क्या होगा स्वामी? भगवान मेरे बेटे की रक्षा करना। दर्शन करना है तो आ, मैं तुम्हें पिताजी से मिलवा देती हूँ। पिताजी, ये बालक आपसे मिलने आया है। बालक कौन हो तुम? मैं सूरज हूँ। महाराज मैंने सुना है आप ताकत में भीमसेन के अवतार हैं, दया में धर्मराज युधिष्ठिर के समान है और दानी में राजा हरिश्चंद्र से बढ़कर है। आपके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। देखा पिताजी ये कितना होशियार है। बहुत ही होशियार है। हम बहुत खुश हुए तुमसे। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? घर गांव हीरे मोती? महाराज हीरे मोती से मेरे लिए ज्यादा कीमती है मेरे पिता जो भयानक दुख से परेशान है। क्या हुआ है उन्हें? ये तो आपको वही चलकर पता चलेगा। चलिए महाराज आपके शक्ति के चमत्कार से उन्हें ठीक कर दीजिए। चलिए महाराज मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। चलिए पिताजी इसकी प्रार्थना मान लीजिए ना। चलो आओ। क्या यही तुम्हारे माता पिता हैं? हाँ माँ देखो महाराज संग्राम सिंह आए, अब पिताजी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। महाराज आप मेरे पिताजी को ठीक कर दीजिए।
कहीं ये इनका असली बेटा तो नहीं, कहीं ये इनका असली बेटा तो नहीं। आप क्या सोच रहे हैं महाराज? क्या सचमुच ये तुम्हारे माता पिता हैं? नहीं, नहीं, हम इसके असली माता पिता नहीं। हमारा इसका कोई संबंध नहीं। ये क्या कह रहे हैं माँ? तुम्हें तो मेरे माता पिता, मैंने तुम्हारी कोख से जन्म लिया तो क्या हुआ? मैं तुम्हारे धर्म का बेटा तो हूँ। धर्म का बेटा? हाँ हाँ महाराज, धर्म के बेटे के लिए हम अपना धर्म नहीं तोड़ सकते। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? ऐसा करो, तुम कहीं से जाकर इनका असली बेटा ले आओ तो हम जरूर इन्हें अच्छा कर देंगे। असली बेटा? हाँ हाँ, असली बेटा, और वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। महाराज, माँ ये क्या किया माँ? एक बार तुम मुझे अपना असली बेटा कह देती तो पिताजी का उद्धार हो जाता। चिंता ना करो माँ, मैं तुम्हारा असली बेटा कहीं ना कहीं से जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। कैसे कहूँ मैं लाल तुझे, इस बोल में काल छुपा है। तू क्या जाने मुन्ने इसमें छल का जाल छुपा है। कैसा खेल विधाता का है, बिछड़े लाल बिन रह ना सकी। लाल मिला जब मुझको फिर भी लाल को लाल न कह न सकी। लाल को लाल न कह न सकी। ये तन्हाई और उनकी याद, हाय इश्क ने कहीं का ना रखा मीना। मंजिलें इश्क दूर हो या करीब, दो कदम भी चला नहीं जाता। दर्द तुम हो दवा भी बन जाओ, करते दिल अब सहा नहीं जाता। शैतान की बच्ची तो चुप ही रह गया। हमने प्यार किया है कोई खेल नहीं, चुप कैसे रहे, चुप रहा नहीं जाता। ओहो, मैं अपनी जान भी दे दूं तो एतबार नहीं कि तुमसे बढ़ के मुझे जिंदगी से प्यार नहीं। मीना की बच्ची? हाँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मीना, मीना की बच्ची, रुक जा ना। मीना रुक ना, मीना मीना सुन तो सही। मीना चंदन तू? हाँ राजकुमारी जी याद करें और हम ना आए। तुमने फिर मुझे राजकुमारी कहा? मैं दुनिया वालों के लिए राजकुमारी हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए सुनंदा, सिर्फ सुनंदा, तुम्हारी सुनंदा। वो तो ठीक है, लेकिन किसी ने हमें इस तरह देख लिया तो? देखने दो, मिलने वाले मिलते हैं, जलने वाले जलते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी दुनिया। मैं दुनिया की परवाह नहीं करती। अच्छा। अब चाहे जल जल मरे सारी दुनिया के, तेरी मेरी एक मर्जी। चाहे जल जल मरे सारी दुनिया के, तेरी मेरी एक मर्जी। मेरे सपनों की है, मेरे सपनों की तू ही दुल्हनिया के, तेरी मेरी एक मर्जी। चाहे जल जल मरे सारी दुनिया के, तेरी मेरी एक मर्जी, तेरी मेरी एक मर्जी। रंग रंगीला है अंग नशीला, अखियां है तेरी गुलाबी। रंग रंगीला है अंग नशीला, अखियां है तेरी गुलाबी। चलना मचलना यूं अंगड़ाई लेना, कर
देना मुझको शराब, तुझे देखो तो दिल झूम जाए, नजरों को नजर चूम जाए, नजरों को नजर चूम जाए, बोले जन जन जन, बोले जन जन तेरी बहन जनिया के, तेरी मेरी एक मर्जी, चाहे जल जल मरे सारी दुनिया के, तेरी मेरी एक मर्जी, तेरी मेरी एक मर्जी। सारा जमाना हो दुश्मन हमारा, प्रीत हमारी न छूटे, सारा जमाना हो दुश्मन हमारा, प्रीत हमारी न छूटे, मत वाले दिल वाले हम दोनों सच्चे, जग वाले हैं सारे झूठे, जग वालों से अब काहे डरना, संग जीना है और संग मरना, संग जीना है और संग मरना, मेरे मधुबन की, मेरे मधुबन की तू है हिरनिया के, तेरी मेरी एक मर्जी, चाहे जल जल मरे सारी दुनिया के, तेरी मेरी एक मर्जी, मेरे सपनों की है, मेरे सपनों की तू ही दुल्हनिया के, तेरी मेरी एक मर्जी, तेरी मेरी एक मर्जी, तेरी मेरी एक मर्जी। चंदन, पिताजी ये वही है जिन्होंने जंगल में शेर से मेरी जान बचाई थी। ठीक है, कहाँ रहते हो? नमस्कार जी, मैं रायगढ़ में रहता हूँ। रायगढ़, पृथ्वी सिंह की जागीर? हाँ महाराज, मैं पृथ्वी सिंह का छोटा भाई हूँ। हमारे दुश्मन का भाई भी हमारा दुश्मन है। पिताजी ये क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं, अपनी खैर चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी भी वही हालत होगी जो पृथ्वी सिंह की हुई। मेरा भाई पृथ्वी जिंदा है? क्या हालत है उसकी? हमने अपनी जादुई शक्ति से उसे लूला लंगड़ा बना दिया, इतना क्रूर बना दिया कि तुम भी उसे पहचान नहीं सकते। संग्राम, हमें ठुकरा कर उसे शादी करने वाली रूपमती उसे लेकर दर दर भटक रही है, लेकिन वो कभी ठीक नहीं होगा और एक दिन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। उससे पहले मैं तुझे खत्म कर दूंगा। नहीं पिताजी, ऐसा मत कीजिए। सिपाहियों, खत्म कर डालो इसे। Thank you.
मुझे पता चला कि आप मेरे पिता नहीं मेरे दुश्मन है। सुनंदा तुम सीमा से आगे बढ़ रही हो। सीमा से आगे तो बढ़ चुके हैं पिताजी, अपने देवता समान बड़े भाई को घर से निकाला, अपनी जादुई ताकत से न जाने कितने लोगों को बर्बाद किया, और अब अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पे तुले। चुप रहो सुनंदा। आप कुछ भी कहिए पिताजी, लेकिन मेरे चंदन को मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई जुदा नहीं कर सकता। हम करके रहेंगे, बहुत जल्द तुम्हारी शादी राजकुमार अपलम से कर देंगे। भगवान ने मेरी सुन ली, आज मैं सब कुछ पा लिया। चंदन माँ कैसी है? भैया वो आपकी जुदाई सहन ना कर सकी और चल बसी। वहां माँ, चंदन मैं अपनी करुणता के कारण माँ के सामने आ ना सका। माँ अपने इस अभागे बेटे को तू क्षमा कर देना। स्वामी चुप हो जाओ भाभी, जो जो होना था वो तो हो चुका है। माँ की ये आपकी इच्छा थी कि मैं कहीं से भी आपको ढूंढा, वो तो पूरी हो गई। अब तो मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि आप पर जुल्म करने वाले संग्राम सिंह से बदला ले सको। और भैया आप बिल्कुल ठीक हो, जरूर ठीक हो जाएंगे। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। पापा। बेटी अब वो समय आ गया है जब तुम्हारा बेटा स्वर्ण कमल लाकर पृथ्वी सिंह का उद्धार करेगा और उस दुष्ट संग्राम का नाश करेगा। स्वर्ण कमल संग्राम का नाश? लेकिन बाबा इनका असली बेटा कहाँ है? इनका असली बेटा तो तू ही है बेटे। हाँ अपनी माता पिता और चाचा को नमस्कार कर। क्या जाने सूरज विजयी हो बेटी, विजयी। अब देर न करो बेटी, ये स्वर्ण अवसर हाथ से न चला जाए, स्वर्ण कमल लेने जल्दी चला जाए। सत्य नहीं हो जाए, सत्य नहीं हो जाए।
हाथी चाचा आज मुझे मेरे माता पिता मिल गए, चलो इसी खुशी में हम भगवान शंकर की पूजा करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आओ मिलके पूजे भोले शंकर को, हम भोले शंकर को। पल में पहाड़ बनाए, पल में पहाड़ बनाए नन्हे कंकर को। ओम जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा। भाव दिखाके मनवांछित पाए, मनवांछित पाए। जल से स्नान कराके, जल से स्नान कराके इनके गुण गाए। ओम जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा। शिव का रूप सुहाना सबके मन भाया, लाल गुलाल चढ़ाकर सबने सुख पाया। जय शिव ओंकारा, देवों में महादेव ये है भोला भाला। गजानंद पहनाए पुष्पों की माला, जय शिव ओंकारा। सच्चे मन से पूज के सच्चा सुख पाया, नव नैवेद्य चढ़ाया, शिव के मन भाया। ओम जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा। घंटी बजाए झूमे मन में हर्षाए, विघ्न मिटे सब उनके, विघ्न मिटे सब उनके आरती जो गाए। ओम जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा। आओ मिलके पूजे भोले, हम भोले शंकर को। पल में पहाड़ बनाए, पल में पहाड़ बनाए नन्हे कंकर को। ओम जय शिव ओंकारा। आओ माँ, आइए पिताजी, मैं यही रहता हूँ। श्यामू चाचा, ये मेरे माता पिता, इन्हें प्रणाम करो। श्यामू चाचा, हम सुवर्ण कमल लेने जा रहे हैं, जब तक हम वापस न लौटे माता पिता का ख्याल रखना। अच्छा माँ। नहीं बेटा, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। दिल चिंता न करो भाभी, मेरे होते हुए सूरज पर कोई आंच नहीं आएगी। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम जिस महान काम के लिए जा रहे हैं वो पूरा। भगवान तुम्हें सफलता दे। आओ सूरज, भगवान हर संकट में तुम्हारी रक्षा करे। सावधान संग्राम, चंदन और सूरज स्वर्ण कमल लेने जा रहे हैं। कमल, याद रख, सूरज और कोई नहीं रूपमती का बेटा तुम्हारा काल है, वो मरा नहीं जीवित है। आ संग्राम, अगर स्वर्ण कमल उसके हाथ लग गया तो तुम्हारी जादू शक्ति खत्म हो जाएगी। नहीं, ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। चंदन और सूरज कहाँ है? चाचा, अब नहीं चला जाएगा, मैं बहुत थक गई हूँ। ठीक है बेटा, चलो वहां बैठकर आराम कर लेते। पिताजी, ये क्या किया आपने? पिताजी, जो हमें करना चाहिए था भूल गए। चंदन को
तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी शादी अपलम से होने वाली है। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, संचे चपलम। बोलिए राजकुमारा, हमारे सर के ऊपर ये कलगी कैसे लगती है? जैसे ही चलेंगे सर के ऊपर से। तू ठीक बोला रे, हम तेरे को कैसे लगते हैं? सुंदर, अति सुंदर। सुनंदा, मीना, सूरज और चंदन की जान खतरे में है, मुझे जाना चाहिए। यूं बेचैन और परेशान होने से कोई फायदा नहीं, जरा धीरज से काम लो। धीरज, धीरज कैसे रखूं? अगर तुम हिम्मत करो तो मैं एक चाल चलूं। चाल? हाँ, वो अपने पागल राजकुमार है ना, मैं उसको उल्लू बना के यहाँ ले आती हूँ, उससे क्या होगा। अरे कभी कभी पागल भी काम आ जाते हैं, मगर मैं इन सिपाहियों की नजर बचा कर जाऊंगी कैसे। सुनो, मैं यूं गई और यूं आई। पहले हमारी शादी हो, और फिर सुहागरात। कौन बोली? कौन बोली? चमकी, 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 बिजली चमकी। अजीब, बिजली तो बाग में चमक रही है। बाग में? राजकुमारी ने राजकुमारी ने कहते हैं किस्मत का खेल। आज जैसे कि घर में चमेली गए। अरे चमके चमके चपलम, हमारा हमारा मुकुट ला। चमके चपलम, तू जल्दी से घोड़ा बन जा, बन जा घोड़ा, घोड़ा हमारा घोड़ा। हमें धोखे धाके भाग गया, हमें उठाओ। चमके चपलम खेलो, हम आते हैं, हम आते हैं। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। नहीं, लगे रहो, लगे रहो। राजकुमारी जी, ये मैं क्या देख रही हूँ? शादी से पहले बहुत दिन आपने हमें याद किया राजकुमारी जी। हाँ राजकुमार, आपके सिवा मेरा और कौन है? मैं बहुत परेशान हूँ। राजकुमारी जी, आपकी परेशानी हमारी परेशानी, आपका दुख हमारा दुख है। मेरी मदद करोगे? जरूर करूंगा राजकुमारी, जरूर करूंगा। जब एक सच्चा राजपूत एक अबला की मदद करता है तो अपने वचन से वो कभी पीछे नहीं हटता। तो राजकुमारी, वचन देते हो? वचन देता है। रब कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो फिर आंखें बंद करो। कर ली। हाथ बढ़ाओ। इधर इधर। आज से तुम मेरे धर्म के भाई हो। राजकुमारी जी, ये आपने क्या किया? आपने आखिर हमें धर्म के बंधन में बांध दिया। बहन की इच्छा पूरी करना भाई का धर्म होता है ना। लेकिन राजकुमारी, आपकी इच्छा क्या है? मुझे चंदन से मिलना है। चंदन से मिलना है? तो फिर आप यहाँ क्यों खड़ी है? जाइए, चले जाइए। लेकिन पिताजी, उनकी चिंता मत करो। लेकिन तुम इस देश में महाराज को धोखा देने के लिए, मैं तुम कपड़े बदलो और जल्दी से यहाँ से चले जाओ। जाओ बहन, जल्दी जाओ। बस नहीं, इस रास्ते से बाहर तुम्हारा घोड़ा इंतजार कर रहा है। आओ, चलो 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 चलो। मीना, अब तुम पर आंखें नहीं बांधो। सुनंदा, सुनंदा बेटी, चलो अंदर चलो। अरे तुम, सुनंदा कहाँ? तू सिदास प्रभु चंदन घिते तिलक करे रघुबीर, पंच फुर्र हो गया महाराज। सुनंदा चलेगी अपने चंदन के पास। कैसे चली गई? एक भाई ने अपनी बहन को भेज। भाई? हाँ, ये देखिए भाई बहन के प्यार की निशानी, राखी। भाई के बच्चे, ये क्या?
तुम्हारा होने वाला प्रीतम जादूगर बेताल। छोड़ दे मुझे, तुझे पता नहीं मेरे पिता कौन है? जादूगरों के बादशाह संग्राम सिंह, वो तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे। नादान लड़की, इधर देख, जब तक मेरे गले में जादुई तावीज है संग्राम, तो क्या कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुझे आज शाम तक सोचने का मौका देता हूँ, मेरी बात मान ले, नहीं तो चल इधर देख, इन लड़कियों की तरह तेरी भी यही हालत कर दूंगा। और याद रख, यहां से भागने की कभी कोशिश मत करना, रास्ता नहीं मिलेगा, सोच ले। बहन, किसी भी तरह उसके गले का तावीज हासिल कर लो और हम सबका उद्धार कर दो, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मुझ में नहीं आता, क्या करूं? सुनंदा, तुम यहां? यहां आओ चंदन। तुम ठहरो, मैं अभी आता हूं। चंदन। सुनंदा। अच्छा हो तुम आ गए चंदन। लेकिन तुम यहां कैसे? मैं घर छोड़कर तुम्हारी तलाश में निकली थी कि अचानक जादूगर बैताल ने मुझे अपने जादू से यहां खींच लिया। कहां वो शैतान, मैं अभी उसे। हमेशा ताकत से नहीं, कभी अकल से भी काम लिया करो। क्या मतलब? अरे वाह, क्या तरकीब है, जी चाहता है। बेटा ना क्या? तो अपना नाटक शुरू, सब ठीक है ना? वाह वाह महाराज, महाराज आप धन्य हो। महाराज कौन हो तुम? महाराज मैं आपका दास और संग्राम का दुश्मन। संग्राम का दुश्मन? जी हाँ, पक्का दुश्मन। वाह 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 महाराज, आपके बारे में जो सुना था आप उससे भी बढ़कर है। ये नूरानी चेहरा, ये हिरन जैसी आंखें, और ये तोते जैसी नाक, और ये जवान मर्द जैसी नुकीली मूछे। वाह 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 महाराज, आप नौजवान, हम तुम पर बहुत खुश हुए। अजी शुक्रिया। प्यारे महाराज हो गए मारे न्यारे। ए लड़की, हम हुक्म देते हैं ये महाराज का दिल बहलाओ। जरूर, लेकिन महाराज आप इन लड़कियों को भी आजाद कर दो ना। हाँ बहुत खूब, हम अभी कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। होने वाली रानी का श्रृंगार करो। नौजवान, हम तुमसे बहुत खुश हैं, जो चाहे हमसे मांग लो। महाराज मुझे संग्राम सिंह से बदला लेना है, और उसके लिए चाहिए स्वर्ण कमल। स्वर्ण कमल? जी नामुमकिन, वो रास्ता खतरों से भरा पड़ा है। महाराज मैं हर खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार हूं, आप रास्ता तो बताइए। यहां से उत्तर की ओर एक बहुत बड़ी गुफा है, उस गुफा के अंदर एक विशाल आदमी बुद्ध की तरह बैठा हुआ है, उसके कान में लाल रतन है। तुम किसी तरीके से उस लाल रतन को हासिल कर लो, फिर समझो तुम्हारा काम बन गया। तो आ गया महाराज? नहीं दोस्त, आज तुम हमारे साथ जश्न में शामिल हो गए। जो आपका हुक्म।
माइकल लाल, तो इस भयानक आग से मेरी रक्षा कर। कोई है ऐसा परोपकारी जो मुझे बचाए? नागदेवता, बालक, नागदेवता, बालक, तुम हमारी परीक्षा में सफल हुए।
उसकी खुशी में ये लो जादू अंगूठी। अंगूठी? हाँ, तुम जिस कार्य के लिए जा रहे हो इस कार्य में अंगूठी तुम्हें मदद करेगी। इसे मुंह में रखते ही तुम अदृश्य हो जाओगे और बाहर निकालते ही तुम प्रकट हो जाओगे। नागदेवता, सुनंदा तुम तो मिल गई हो, लेकिन सूरज पता नहीं कहाँ खो गया है। चाचा मैं यही हूँ। अरे कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे सामने हूँ चाचा। अरे क्या कर रहा है? अरे अरे दिखाई नहीं दे रहा। अरे सूरज कहाँ है तुम? सूरज, ये देखो नाग देवता के आशीर्वाद का चमत्कार, ये अंगूठी। अंगूठी? कैसी अंगूठी? हाँ चाचा, ये अंगूठी बड़े काम की है। इसे मुंह में रखो तो गायब और बाहर निकालो तो सामने। अरे वाह, ये तो बड़े कमाल की चीज है। लेकिन राजकुमारी जी, आप और चाचा। मैं तुम लोग समझ गया कुछ गड़बड़ घोटाला। नहीं, मैं तुम लोगों के साथ स्वर्ण कमल लेने जा रही हूँ। हाँ सूरज, यार दो से भले तीन और बजे प्यार की बीन। चलो चाचा। तो स्वामी, आज कितने दिन हो गए, चंदन और सूरज अभी तक वापस नहीं आए। आ जाएंगे स्वामी, भगवान चाहेंगे तो वे स्वर्ण कमल लेकर जरूर आ जाएंगे।
अगर हम यहाँ सच्ची भावना से आए तो हमें रास्ता दीजिए।
स्वर्ण कमल दे दो माँ। तुम्हें स्वर्ण कमल कभी नहीं मिल सकता। ऐसा ना कहिए माँ, कृपा करके हमें स्वर्ण कमल दे दीजिए। दया करो माता, स्वर्ण कमल हमें दे दो। सावधान बेटी, स्वर्ण कमल देते ही तुम्हारे पिता की जादुई शक्ति खत्म हो जाएगी। सत्य धर्म और न्याय के लिए ऐसी जादुई शक्ति का खत्म हो जाना जरूरी है। माँ, आप तो माता है और माता के द्वार से बालक कभी निराश नहीं जाता। चाहे तो आप मेरे प्राण ले लीजिए, मगर मेरे पिता के उद्धार के लिए हमें स्वर्ण कमल दीजिए। बालक, मैं तुम्हारी वीरता और पिता के प्रति भक्ति देकर बहुत प्रसन्न हूँ। स्वर्ण कमल को छोड़ के जो चाहे तो मांग सकते हो। और क्या मांगो माँ? जो इच्छा हो मांगो बेटा, मैं तुम्हें वचन देती हूँ। माता, अगर आप मुझको पसंद है तो मेरी माँ की खुशी लौटा दीजिए। तथास्तु। माता, मेरी माँ की खुशी है उनका सुहाग, मैंने मेरे पिता और स्वर्ण कमल से ही मेरे पिता का उद्धार हो सकता है। आपने वचन दिया है, अब आप आपका वचन निभाइए। तुमने अपनी चतुराई से हमारा मन जीत लिया। चंदन, हम अपने राज की सीमा में पहुंच गए। वो देखो महल, और वो जगह भी यहाँ से बहुत करीब है। यहाँ भाभी भैया है। सुनंदा, क्या सोच रही हो? यही कि तुम लोग वहां जाओ, मैं घर जाती हूँ। मैं जानती हूँ पिताजी मुझ पे बहुत नाराज होंगे, लेकिन मैं उन्हें मना लूंगी। सुनंदा, जरा जल्दी मिलना। अच्छा, आओ सूरज। सुनंदा, तुम्हारे लिए इस महल के दरवाजे बंद। पिताजी, पिताजी मेरी बात सुनिए। खबर पार जो हमें पिता कहा, जिस दिन से तुमने घर छोड़ा था बाप बेटी का रिश्ता खत्म हो चुका। तुम्हारी नजरों में एक प्रेमी की कीमत है बात की नहीं। तुम स्वर्ण कमल इसलिए लेने गई थी कि हमारी मौत हो जाए। नहीं पिताजी, स्वर्ण कमल से मैं पिछले खून के उधार के लिए लेने गई थी। ये झूठ है। सच है पिताजी, चंदन सूरज कजिन बन गया हुआ है और पृथ्वी सिंह ठहरे हुए हैं। रूपमती और पृथ्वी सिंह कजरी बन में। सिपाहियों, हम अपने दुश्मन और उनका साथ देने वाले को कभी माफ नहीं करते। ले जाओ इसे। पिताजी। मेरे बेटे चंदन। भैया, भगवान की कृपा से हम स्वर्ण कमल ले आए। वो पानी भरने गई है, अभी आती होगी। तो जल्दी से मुझे ठीक कर दे, वो मुझे अपने असली रूप में देखकर खुशी से फूली नहीं समाएगी। जल्दी कर। संग्राम तू? हाँ संग्राम, अब तुम जिंदगी भर सरपटते रहो, ये स्वर्ण कमल तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तो के बाद लेकिन मेरे माता पिता कहाँ? वो दोनों मेरे खैर खाने में है। रूपमती, पृथ्वी सिंह, देखो हम तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाए। कमल, चंदन कहाँ है? मेरा लाल सूरज कहाँ है? वो दोनों महल के बाहर बंधे हुए हैं और बहुत जल्द मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। आज वो दिन आ ही गया जब हम दीदी के विधान को बदल देंगे। अपने काल सूरज को खत्म करके पुजारी का श्राप झूठा कर देंगे। भूलते हो पिताजी, ब्राह्मण देवता का श्राप कभी झूठा नहीं हो सकता और विधि का विधान कभी नहीं बदल सकता। नादान लड़की, हम बदल कर रहेंगे।
तुम सबको मौत की गोद में सुला देंगे। मौत मौत क्या है, जिंदगी का सिंगार है। अरे बुजदिल हिम्मत है तो मेरे हाथ खोल कर देख, फिर पता चलेगा कि कौन किसे मौत की गोद में सुलाता है। खामोश बदतमीज। अभिमानी संग्राम, तेरा अभिमान धूल में मिलकर रहेगा और आखिर जीत सत्य की होगी। सत्य सत्य एक खिलवाड़, सत्य कुछ भी नहीं। सत्य ही सब कुछ है, सत्य के सहारे धरती आकाश चांद सूरज सभी टिके हुए हैं। सत्य ही भगवान है। तो आज हम तुम्हारे सत्य के भगवान को देखेंगे कि वो तुम्हारी जान कैसे बचाता है। होगी जीत सदा और झूठ सदा ही हारेगा। सच की होगी जीत सदा और झूठ सदा ही हारेगा। न्याय पे चलने वाले को जग में कोई ना मारेगा। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।
दरवाजा बंद करो, जल्दी करो। Thank you.
भगवान की कृपा से अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ चंदन। स्वामी चंदन स्वामी अब बिल्कुल ठीक हो गए। भाभी ये है इस देश की राजकुमारी, मेरी होने वाली चाची और आपकी बहू। आओ हिल मिल प्यार से खेले झगड़ा बगड़ा छोड़ के छोड़ के। आओ हिल मिल प्यार से खेले झगड़ा बगड़ा छोड़ के छोड़ के। प्यार भरा स्वर्ग Thank you.